Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your computer teacher, Miss Saira Muhammad Yusuf, and welcome to grade 4. Today, first of all, I want to share with you all our coming midterm syllabus. Jo midterm syllabus I will teach you in midterm session, in this session. Okay? So सिलेबस फॉर मिट्रम मिट्रम में जो हम चैप्टर यूनिट रीड करेंगे यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर इन डेली एवरीडे लाइफ ठीक है सो माय डियर स्टूडेंट्स हमारी बुक्स में जो है टोटल 6 चैप्टर्स हैं और हम 3 चैप्टर्स जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किया डिवाइड किया है तो 3 चैप्टर्स जो है वो हम मिड टर्म में रीड करेंगे और 3 चैप्टर्स जो है वो हम फाइनल टर्म में करेंगे इसके साथ जो हमारे प्रैक्टिकल जो है वो इंक्लूड है ऑलरेडी एक वीडियो जो है आप वो प्रैक्टिकल की देख चुके होंगे हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से और इवन वीडियो हम उसके डिफरेंट टैब्स हैं उसके अंदर उनके बारे और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टैब्स के बारे में पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स आप देखेंगे आपके जितने भी चैप्टर्स में प्रैक्टिकल मौजूद हैं आप वो प्रैक्टिकल भी जो चैप्टर से रिलेटेड हैं वो भी हम इसमें करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास जो होगी इंशाल्लाह वो हमारी प्रैक्टिकल क्लास होगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल क्लासेस ली जाएँ या 1 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल क्लास ली जाए लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि जो वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं जो वीडियो आप तक सेंड की जा रही हैं आप उनको कॉन्सेंट्रेट करें उन पर और उसके लेक्चर को जो है वो सुनें और जो भी आपको होम असाइनमेंट दी जा रही है उसको टाइम पर करें और उसको टाइम पर सबमिट करवाएँ ओके आर फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 इज कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है इस चैप्टर में हम रिकग्नाइज करेंगे हार्डवेयर सिस्टम डिस्क्राइब किया जाएगा मदरबोर्ड आइडेंटिफाइड डिस्क्राइब करेंगे स्लॉट्स एंड पोर्ट्स इन अ कंप्यूटर ठीक है जो 3 चीज़ें आज हम यूनिट में डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है हम रिकग्नाइज करेंगे हार्डवेयर इन सिस्टम यूनिट डिस्क्राइब करेंगे मदरबोर्ड क्या है एंड आइडेंटिफाई करेंगे डिस्क्राइब करेंगे स्लॉट्स एंड पोर्ट्स इन अ कंप्यूटर रीडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पैरा अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस आर प्लग्ड इनटू कनेक्शन पॉइंट्स ऑन अ सिस्टम यूनिट देयर आर मेनी डिवाइसेस इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स लाइक केस कॉल्ड द सिस्टम यूनिट They work together to perform computer operations. This unit has to identify some external and internal hardware devices of a computer. Dear students, आपको सबको पता है in previous class we have already learned about what is hardware devices और हमारी software हमारे hardware devices क्या हैं और software devices क्या हैं ठीक है So different hardware devices हार्डवेयर डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिसको जो इनटेंजिबल होती हैं जिसको हम छू सकते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं ठीक है तो कुछ हमारी डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस हमारी प्लग होती हैं कनेक्शन सीपीयू के साथ सिस्टम यूनिट जो है जिसकी बात की जा रही है सीपीयू जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं डिफरेंट डिवाइसेस आपने देखा होगा अगर आपने कंप्यूटर लैब में भी देखा होगा और आपके घर में भी सिस्टम मौजूद है आपने देखा होगा हमारे हमारा मॉनिटर हमारे माउस प्रिंटर की भी बात कर लें प्रिंटर और जितने भी हमारी डिवाइसेस होती हैं कीबोर्ड माउस वो सब किससे कनेक्ट होती है हमारे सिस्टम यूनिट के साथ और दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑपरेशन फिर ये डिफरेंट जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो ये टुगेदर परफॉर्म करते हैं Hardware in a system unit. Let's discuss some hardware devices enclosed in a system unit. Some devices are labeled in the following figure. कुछ जो है devices को जो है यहाँ पर label किया गया है उसमें है optical drive, hard disk drive, expansion cards जो लगाए जाते हैं
कनेक्टर्स जो भी कनेक्टर सीपीयू के साथ एंड पावर सप्लाई फैन। अभी हम इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा मदरबोर्ड। अभी हम डिस्कस करेंगे मदरबोर्ड के बारे में। द मदरबोर्ड इज अ मेन सर्किट बोर्ड फिक्स विद द सिस्टम यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू हार्डवेयर डिवाइसेस एंड एनेबल देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मदरबोर्ड जो है वो मेन सर्किट बोर्ड है जो फिक्स हुआ होता है सिस्टम यूनिट में, ठीक है। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू हार्डवेयर डिवाइसेस। ये क्या करता है, सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस को टू कम्युनिकेट ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें। क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर में इंटरनल सीपीयू जो है वो हमारा प्रोसेस का वर्क करता है, और हमें जो भी इंसर्ट करना होता है वो हम इंटरनल डिवाइसेस के ज़रिए उसको कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और फिर वो तमाम ऑपरेशन सीपीयू के ज़रिए हमारे कंप्लीट किए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, जब हमारे एयर्स जो हैं उन सुनते हैं, और हमारा ब्रेन जो है उस वक्त उस प्रोसेस करता है। अगर टीचर आपसे कोई क्वेश्चन करती है तो आप क्या करते हैं, पहले उसको सुना जाता है, फिर उसका प्रोसेस हमारे ब्रेन में होता है, सोचा जाता है, और आउटपुट हमारे माउथ के ज़रिए वो हम दूसरों को बताया जा बस आंसर जो है बता दिया जाता है। इसी तरह सीपीयू कीबोर्ड और मॉनिटर भी वर्क करते हैं। सच डिवाइसेस इंक्लूड द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हार्ड ड्राइव एंड मेमोरी चिप। देर आर मेनी कनेक्शन पॉइंट्स कॉल्ड स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड टू प्लग इन डिवाइसेस। कुछ स्लॉट्स जो हैं वो मेन कनेक्शन के लिए, कनेक्शन पॉइंट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्लॉट्स कहते हैं। वो मदरबोर्ड में होते हैं ताकि दूसरी डिवाइसेस जो है उसके अंदर प्लग इन उनके अंदर लगाई जा सकें। द मदरबोर्ड ऑल्सो हैज़ मैनी कनेक्शन पॉइंट्स। मदरबोर्ड्स में बहुत सारे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। आर ओपनिंग कॉल्ड पोर्ट। दे आर यूज टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। पोर्ट्स के जरिए डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस को उसके अंदर कनेक्ट किया जाता है। टू आइडेंटिफाई स्लॉट्स एंड पोर्ट्स ऑन द मदरबोर्ड सी द फिगर। कुछ स्लॉट्स और आप पोर्ट्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना सीपीयू में हम बैक साइड पर हम डिफरेंट या फ्रंट साइड पर जगह दी होती है डिफरेंट। यहाँ पर अगर हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन का प्लग लगा देते हैं, ठीक है, मॉनिटर डिवाइस का प्लग लगा देते हैं स्लॉट पोर्ट्स के अंदर, सीपीयू का लगा देते हैं, तो जब हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। देन हार्ड ड्राइव स्लॉट से यहाँ पर, रैम स्लॉट से जहाँ पर रैम लगा जाती है, सीपीयू सॉकेट से यहाँ पर, बैकअप बैटरी है, एजीपी स्लॉट्स हैं, पीसीआई स्लॉट है, ठीक है। ओके, स्लॉट्स आर सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड। डिफरेंट इंटरनल डिवाइसेस आर इंसर्टेड इनटू द स्लॉट्स टू इंक्रीज द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर रैम लगाई जाती है, ये स्लॉट्स जो हैं ये रैम के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल डिवाइसेस के लिए व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्लॉट्स एंड पोर्ट्स। स्लॉट्स में जो है वो आपके इंटरनल डिवाइसेस लगाई जाती हैं, और पोर्ट्स के अंदर आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस। एक्सटर्नल डिवाइसेस मींस प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाई जाती हैं। और इंटरनल डिवाइसेस किस में, स्लॉट्स में लगाई जाती हैं। और ये अहम पॉइंट है, ये आपका आगे जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफरेंट स्लॉट्स लोकेटेड ऑन द कीबोर्ड आर नॉट फॉलो। नंबर वन, मेमोरी स्लॉट्स, फंक्शन स्लॉट एंड प्रोसेसर स्लॉट, ठीक है। और कंप्यूटर पोर्ट्स क्या है, पोर्ट्स आर कनेक्शन पॉइंट्स फाउंड ऑन द फ्रंट और बैक ऑफ अ सिस्टम। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट, आपने देखा होगा कि फ्रंट साइड पर या बैक साइड पर कुछ पोर्ट्स जगह हो जाते हैं जहाँ पर हम अपने कनेक्शन एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्स अलाउ प्लगिंग इन द एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज द माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मोडियम एंड यूनिवर्सल सीरियल्स बस यूएसबी। यूएसबी जो आप यूज़ करते हैं उसको फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन पोर्ट्स एंड स्लॉट्स। पोर्ट्स जो है उसमें हम एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाई जाती हैं, और स्लॉट्स में जो है इंटरनल डिवाइसेस पुट की जाती हैं। जैसे PS2 पोर्ट 2 है, माउस है, ठीक है, प्रिंटर पोर्ट अलग है। इसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे पोर्ट्स दिए गए हैं। आज हम यहाँ तक रीड करेंगे पोर्ट्स तक, कल हम डिफरेंट वर्क करेंगे। इसके बाद आपको जो आज आपका होम असाइनमेंट है वो आपको एक्सरसाइज पेज नंबर 9 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ड सर्च एंड कलर ईच वर्ड आर डिफरेंट कलर, ठीक है। सबसे पहले सर्किट जो आप सर्च करेंगे, मुझे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है CIRCUITL,
ठीक है, सर्किट को आप सर्च करेंगे, स्लोट्स, पोर्ट, सर्किट्स, मेमोरी, बाइनरी, रैम, रोम। और एक बात याद रखिएगा, ग्रेड फोर आपको जो भी वर्क करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये लेक्चर आ जाएगा, तो जिस दिन ये लेक्चर आता है आपका अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, वो आपको यहाँ पर डेट मेंशन प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा कि किस दिन हमारा टाइम है। क्वेश्चन नंबर टू कोई नहीं करेगा, क्वेश्चन नंबर टू हम चैप्टर पूरा रीड होने के बाद करेंगे। इसके अलावा ये जब सर्च कर लें, इसमें देखें सिर्फ एक ही कलर यूज़ कीजिएगा प्लीज़, डिफरेंट यहाँ पर इसके अंदर कोई गोलागंडे टाइप चीज़ नहीं बनाइएगा। इसके अंदर सिर्फ एक, वो भी लाइट कलर यूज़ करेंगे, डार्क कलर यूज़ नहीं करेंगे कि उसके अंदर फिर हमें अल्फ़ाबेट नज़र ना आए, ठीक है। इसके बाद हमारा होम असाइनमेंट जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया, डू क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम पेज नंबर 9 से करेंगे, और उसके अलावा रीड पेज नंबर 1, 2 and 3 जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये पेज नंबर फ्रॉम यूनिट 1 से करेंगे। और सबसे मेन थिंग जो हम अंडरलाइन करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और वो मैक्सिमम जो हैं वो 10 होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होने चाहिए, मिनिमम मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि 10 ही होने चाहिए। 10 जो हैं आप वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेंगे, और आपके अगर कॉपीज़ हैं प्रोवाइड कर दी गई, या तो प्रीवियस कॉपी जो है कंप्यूटर की, आई थिंक सबकी खाली होगी क्योंकि मिड टर्म फाइनल टर्म में ज़्यादा वर्क हमारा होता नहीं, तो वो आप कंप्यूटर कॉपी में आप लिखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल जो है वो दिया गया है, प्रैक्टिकल समझाया गया है, तो उसके अंदर बॉर्डर्स बनाना, जो आपको फर्स्ट स्टेप के बारे में फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना बताया है, सो प्लीज़ आप जो है उसको जल्द अज जल्द उसको किस तरह से आपने वर्क किया है उसकी छोटी सी या तो वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं, इस तरह से आप अपना असाइनमेंट दिखाएँ कि ये हमने वर्क किया है, ठीक है। इसके अलावा जब चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसके वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले आप ये वर्क जो है ये बुक में कर दिए, और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले प्लीज़ ये असाइनमेंट, ये जो है इसको चैप्टर को रीड कर लीजिएगा और कॉन्सनट्रेट करें कॉप चैप्टर पर, ताकि हमारा जो है जो हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा वेस्ट हो चुका है तो वो ना हो, ठीक है। क्लास नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह।